सभी लोग जल्दी से यहाँ आओ। ओ नहीं, कोई रो रहा है। मैं किसी के रोने की आवाज सुन रही हूँ। मैं आ रही हूँ मेरी प्यारी बच्ची। ओह, कितना बुरा लग रहा है। टीना रो रही है, कुछ तो जरूर हुआ है। मुझे उसे चुप कराना होगा। धैर्य रखो, अभी हम सब ठीक कर देंगे। मुझे ये सब केवल महसूस हो रहा था कि कोई वास्तव में रो रहा था। सब शांत हो जाओ, ध्यान से सुनना होगा। मैं सही थी, अब और समय बर्बाद नहीं कर सकते। मैं जल्दी से आ रही हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। सब आगे बढ़ो, सबसे पहले मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बनाओ। फ्रेंच फ्राइज बुरा नहीं है, ये बहुत ही आसान है। ओह, लगता है कि मैं पीछे हो रही हूँ। जल्दी करना होगा। सबसे पहले कुकिंग ऑयल चाहिए। इसे बोतल से बाहर निकालना इतना आसान नहीं है। मुझे बाद में पता चला कि सबसे पहले इसका ढक्कन खोलना था और उसके बिना ही डाल सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, अब सब तैयार है। स्टोव को मैक्सिमम लेवल पर ऑन करती हूँ और इसे गर्म होने देती हूँ। आलू छीलना मेरे बस की बात नहीं है, मैं गंदा काम नहीं कर सकती। मैं साफ किया हुआ और कटा हुआ आलू डालूंगी, जल्दी और आराम से हो जाएगा। तुम क्या कर रही हो जेन? अब गर्म तेल चारों तरफ उड़ेगा। अरे ये कितना गर्म है, बचाओ। जल्दी करो और फ्राइंग पैन को बाहर रखो। देखो तुमने क्या किया है। दादी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा जानती थी कि खाना बनाना तुम्हारे वश की बात नहीं है। इसे सीखना होता है कि डिशेस कैसे बनाना चाहिए। ध्यान से फ्राइंग पैन में थोड़ा तेल डालते हैं और फ्लेम को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। जब तक फ्राइंग पैन गर्म हो रहा है, छिले हुए आलू को पतले पतले टुकड़े में काटते हैं। बहुत अच्छा, एक पूरा प्लेट हो गया है। अब सब कुछ फ्राइंग पैन में डालते हैं। लगातार इसे मिक्स करते रहना चाहिए जिससे यह जल न जाए। अब इसे उतार सकते हैं। फ्रेंच फ्राइज तैयार हो गया है। वाह, कितनी अच्छी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है, मैं इसे ट्राई करूंगी। माफ करना लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये टीना के लिए है। इसको अब केचप के साथ खाना है, बस। लगता है कि कहना कितना आसान है, लेकिन फिर भी मुझसे क्यों नहीं हुआ? तुम गलत सीख रही हो जेन, मुझसे कुछ सीखो। दादी ने पिछली शताब्दी से कुछ पकाया और मैं एक मॉडर्न डिश बनाऊंगी। जब तक आलू से एक्स्ट्रा तेल निकल रहा है, इस बीच मैं बेकन बनाती हूँ। यह पूरी तरह से फ्राइज के साथ अच्छा लगेगा। देखो मैं कैसे ये स्वादिष्ट रोल लेकर आई हूँ। ऊपर से थोड़ा केचप और वोइला। इसे ट्राई करते हैं। मेरे अलावा सभी ने कुछ बनाया है, ऐसा नहीं होगा, हमें इसे ठीक करना होगा। जब तक समय है, मैं एक प्लेट में पीला मार्मेलेड डालती हूँ। दूर से यह आलू जैसा दिखता है और केचप के बजाय मैं स्ट्रॉबेरी की टॉपिंग करूँगी। मेरी राय में यह बहुत ही स्वादिष्ट है। टीना हम सब तैयार है। कितना सारे ऑप्शन है, मेरी तो आँखें ही नहीं ठहर रही है। शायद मैं इस डिश से शुरू करूंगी, बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन यह कुछ अलग ही दिख रहा है, ये बिल्कुल भी फ्राई जैसा नहीं दिख रहा है। मुझे बेकन पसंद नहीं है, ये अच्छा नहीं है, मैं और नहीं खाऊंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आखिरी डिश मुझे निराश नहीं करेगी। ओह कितना मीठा है, सुपर। किसे चुनू? मुझे थोड़ा समय दो। अब डिसाइड हो गया, पहला ही अच्छा है। ओह मैंने तुमसे कहा था कि दादी सबसे अच्छी है। मुझे पता चल गया है कि मुझे आगे क्या चाहिए। वॉफल तैयार करो। मैं निश्चित रूप से करके दिखाऊंगी बहन, मैं तुम्हें इस बार निराश नहीं करूंगी। उफ, अंडे का छिलका गलती से कटोरी में गिर गया, कोई इसे नोटिस नहीं करेगा। इसे छिपाने के लिए मैं थोड़ी सी नमक और चीनी डालती हूँ। ओ नहीं, बेकार सा ढक्कन है। आज सही में मेरा दिन नहीं है, सब कुछ बस हाथ से गिर रहा है। लेकिन मैं समय से पहले हार नहीं मानूंगी, मैं सभी चीजों को ठीक से मिलाऊंगी। मैं निश्चित रूप से तुम्हारे डिश को ट्राई करने की हिम्मत नहीं करूंगी जेन। दादी हमेशा की तरह तुम मेरी क्रिटिसाइज करती रहती हो। ओह तुम कितनी बुद्धू हो, ऐसा सोचती हो। बस ठीक आ गई थी, ये सब आटे की वजह से, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने बहुत सारा डाल दिया, कुछ हटाना पड़ेगा नहीं तो मुझे पत्थर मिलेंगे, वॉफल नहीं। अब यह बहुत बेहतर है, अब सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ डो को वॉफल मेकर में डालना है और कसकर बंद करना है। अब थोड़ा इंतजार करते हैं, चलो जल्दी तैयार हो जाएगा। मैं कितनी अच्छी हूँ, हम इसे देखेंगे। मुझे यकीन है कि मेरी डिश फिर से जीत जाएगी। जरा देखो कि कितना अच्छा डो बना है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी आत्मा इसमें डाल दी है। बहुत बढ़िया, मुझे हंसाओ मत, तुम्हारी आत्मा में किसको इंटरेस्ट है। मुख्य बात यह है कि वॉफल स्वादिष्ट और पौष्टिक हो, यह आजकल का ट्रेंड है। मैं डो में थोड़ी सी जुकीनी मिलाऊंगी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि टीना कुछ भी नोटिस नहीं करेगी। फिर सब कुछ हमेशा की तरह होगा, अंडा और आटा। मेरे वॉफल वास्तव में रसदार हो जाएंगे। ये क्या बकवास है, वॉफल में सब्जियाँ कौन डालता है?
स्वीकार करो कि तुम स्वादिष्ट भोजन के बारे में कुछ नहीं जानती। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मुझे खुशी होती कि यह मेरे अनुभव से सीखने का अवसर है। खैर, दो से ही वफल में है। चलो थोड़ा इंतजार करते हैं। मेरे वफल तैयार है। यह अच्छा बना है। मैं अपने से खुश हूँ। मैं एक पका हुआ स्ट्रॉबेरी डालूंगी, इससे इसकी चमक बढ़ जाएगी। टीना निश्चित रूप से इसकी सराहना करेगी। मैं उसका स्वाद अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं प्लम्स को समान रूप से सतह पर फैलाती हूँ इस तरह से। और अब एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, व्हिप्ड क्रीम। इस तरह के डेजर्ट का कोई विरोध नहीं कर सकता। मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी, मुझे चॉकलेट सिरप भी चाहिए। यह मेरे डिश को और स्वादिष्ट बना देगा। सजाने के लिए कुछ और प्लम्स। बहुत बढ़िया, कितनी सारी चीजें हैं। ओह, यह गर्म है। मैं इतनी जल्दी में थी कि मैंने अपनी उंगलियों को थोड़ा जला दिया। मेरे वफल भी तैयार है। मैंने उन पर मैपल सिरप डालने का फैसला किया है। यह मीठा और अच्छी सुगंध वाला है। भले ही मैंने सबसे अंत में समाप्त किया है, फिर भी इसका कोई मतलब नहीं है। पहला स्थान निश्चित रूप से मेरा होगा। तैयार है। हो गया टीना, फिर से इतने सारे खाना। मुझे ये चुनौती पसंद है। व्हिप्ड क्रीम वाला वफल मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। बस एक सेकेंड, यह क्या है? यह तो एग शेल है। ओ माफ करो, लेकिन मैं यह नहीं खाऊंगी। दूसरा वफल अजीब लग रहा है। मुझे यकीन है कि इसके अंदर सब्जियां हैं। नहीं, मैं इन सबको बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब केवल लास्ट ऑप्शन बचा है। सभी को उसी पर भरोसा है। यह घर का बना हुआ दिखता है। मुझे उम्मीद है इसका स्वाद मुझे निराश नहीं करेगा। वाह, ओ वाह, यह मेरा वफल है। मैं फिर से जीत गई। दादी सो मत, चेन सही थी। हमें इसे कंटिन्यू रखना है। भोजन की तुलना में ड्रिंक तैयार करना बहुत आसान है, और अब मैं इसे साबित करने जा रही हूँ। क्या तुम मुझे एक कप दे सकती हो एमा? क्यों नहीं, ये लो, मैं एक और ले आऊंगी। तुम तो टेबल तोड़ दोगी जैन। माफ करो दादी, मुझे बर्फ चाहिए था। मैं कोल्ड कॉफी बना रही हूँ। मैं ग्लास को सजाकर शुरू करूंगी। अब मैं बर्फ के टुकड़े से इसे भर दूंगी। बढ़िया, पहला स्टेज हो गया। अब मैं एक अच्छी तरह से पीसी हुई कॉफी लेती हूँ और इसे कप में डालती हूँ। यह पहले से ही अच्छा लग रहा है, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। अब मैं चॉकलेट बार से एक मीठा कॉकटेल बनाऊंगी, लेकिन इससे पहले कैपेचिनो मशीन के साथ ठीक से व्हिप्ड करना होगा। वाह, देखो कितना अच्छा बबल बना है। तुमने पूरी मेज को फिर से गंदा कर दिया है। सच कहूँ तो मैं पहले से ही थोड़ी थक गई हूँ, इसलिए मैं एक रेगुलर इंस्टेंट कॉफी लूंगी। अगर मैं कुछ भी कुक करना नहीं चाहती हूँ तो यह हमेशा मेरी मदद करता है। मैं पाउडर को एक कप में डालती हूँ और साथ में उबलता हुआ पानी। इससे आसान और क्या हो सकता है। केतली अब गर्म हो गई है। बढ़िया, इन सबको पूरी तरह से मिलाती हूँ। कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी। मुझे याद आया, टीना को व्हिप्ड क्रीम बहुत पसंद है, तो मैं फिर उन्हें यूज करूंगी। सुपर, मेरी राय में मेरी कोल्ड कॉफी कॉकटेल के साथ ही बहुत अच्छा रहेगा। मैं इसे कैंडी से सजाऊंगी। तुम बहुत अच्छा बना रही हो जेन। मेरे साथ बहुत ही सीरियस कॉम्पिटिशन है, हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं असली कॉफी बीन से एक ड्रिंक बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैं उन्हें ठीक से पीसूंगी। तैयार है, अब इसे फ्रेंच प्रेस में डालना होगा। सुपर, उबलते हुए पानी को डालती हूँ और इसे थोड़ी देर छोड़ देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है मलाईदार क्रीम। मेरा यह डिश न केवल स्वादिष्ट होगा बल्कि बहुत सुंदर भी होगा। सबसे पहले इसे ठीक से मिलाना होगा। मुझे लगता है इतना छोटा कप मुझे सूट नहीं करेगा, मुझे कुछ बड़ा चाहिए। मैं कप में कॉफी लेती हूँ, दस्ताने पहनकर, ताकि कुछ भी दाग ना हो। कॉफी को थोड़ा हिलाते हैं और ऊपर में मलाईदार फोम बन जाता है। देखो यह कितना खूबसूरत है, बस जरा देखना है। सभी ड्रिंक्स अलग अलग है। वाह, ये वास्तव में अच्छा लग रहा है। इसमें तो बहुत सारी कैंडीज है। मैं इसे सबसे पहले खाना चाहती हूँ। मुझे यह पसंद है। ऊपर में कुकी है, कितना क्रंची है। नहीं पता कि क्या कुछ इसके स्वाद को फीका कर सकता है। क्या यह इंस्टेंट कॉफी है? ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगी। यह गंदा है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं पीना चाह रही हूँ। अब एक आखिरी ड्रिंक बचा है। वाह, किसी ने मेरे लिए दिल ड्रॉ किया है। यह बहुत प्यारा है। इसका स्वाद अच्छा है, लेकिन फर्स्ट ड्रिंक ने बाजी मार ली। हमने अभी अभी एक असली किचन का दौरा किया है। अब सिनेमा किचन जाने का समय है, जिससे असफल ज्वेल देख सके। यह आपको बहुत पसंद आएगा।